इस प्रॉब्लम में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का प्रॉब्लम है और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, एग्ज़ाम में आ सकता है किसी में। फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, उनका एनर्जी दिया हुआ है, सपोज ये एच म्यू वन जो हमारे इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें जो फोटोन है उनका एनर्जी एच म्यू वन दिया हुआ है, या दिया जा सकता है कि वो जो लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। तो एक तो आप रिलेशनशिप याद रखिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1242 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस अगर आपको वेवलेंथ दी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी सीधा निकल जाएगी, अगर 1242 को आप, ये लैम्डा नैनो मीटर्स में है, एमस्ट्रॉन्ग्स में नहीं है, नैनो मीटर्स में। सो अगर ये लैम्डा को आप नैनो मीटर्स में रख देंगे तो आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा निकल जाएगा। नहीं तो दूसरा मेथड है, आप एनर्जी को जो है एच म्यू वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है जो बुक्स में यूज़ किया हुआ है। हमें दिया है कि फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, उनका वेवलेंथ दिया हुआ है, तो उससे हमने पहले तो एनर्जी निकाल लिया जो इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी है। ये फोटोन जब स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एक्वायर कर लेंगे। सो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एक्वायर कर रहा है वो है ईवी इज इक्वल टू 1242 अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज इन नैनोमीटर। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। अब हमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है कोलाइड करता है बाकी इलेक्ट्रॉन से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं पड़े रहेंगे, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है, रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है, ऐसे नहीं पड़े रहेंगे, बट फ्री हम मान रहे हैं, ये जो है बाउंड नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनको जो एनर्जी देंगे उस एनर्जी से मूव करेंगे, लेकिन ये कोलाइड करेंगे। अगर दिया हर कोलिजन में वो जो है एक्स परसेंट एनर्जी लूज करेंगे, से एक्स अपॉन 100 एनर्जी लूज करेंगे हर कोलिजन में। तो हमें पता लगाना है अगर एन कोलिजन्स हुए कैपिटल एन हमें दिया हुआ है और यहाँ का वर्क फंक्शन 50 है, तो पता लगाना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, जो एमिशन होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एमिशन होगा, उनकी एनर्जी कितनी होगी। तो पहली बात तो हमें पता नहीं कि निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करेगा उन पे एनर्जी अवेलेबल कितनी है। तो इसमें जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला लगाते हैं ना, क्योंकि एक्स परसेंट एनर्जी जो है हर कोलिजन में लूज़ करेगा। सपोज इनिशियल एनर्जी ईवन है, फर्स्ट कोलिजन हुआ, मैं इसको टेबलर फॉर्म में दिखाता हूँ, तो एनर्जी आपकी कितनी बची, ईवन माइनस एक्स ईवन अपॉन 100, ये बची ईवन 1 माइनस एक्स अपॉन 100। अब ये सेकेंड कोलिजन हुआ, सेकेंड कोलिजन में इनिशियल एनर्जी थी ईवन 1 माइनस एक्स अपॉन 100, इसका जो है एक्स अपॉन 100 माइनस होगा, ईवन एक्स अपॉन 100 1 माइनस एक्स अपॉन 100। तो क्या बचा, ईवन 1 माइनस एक्स अपॉन 100 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर फिर से आया 1 माइनस एक्स अपॉन 100। तो ऐसे करते करते अगर n कोलिजन्स होंगे तो एनर्जी जो अवेलेबल रहेगी 1 माइनस एक्स अपॉन 100 रेज टू पावर n, ये हमारी बैलेंस एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन में। अब ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, इस एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करेंगे, ईवन 1 माइनस एक्स अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस 50, इसमें से वर्क फंक्शन माइनस करेंगे और ये एनर्जी होगी एग्जिट करने वाले इलेक्ट्रॉन की। तो पहली बात तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा के लिए आपका ये पॉजिटिव होना चाहिए, पूरा ये जो रिजल्ट आ रहा है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मीन्स ईवन 1 माइनस एक्स अपॉन 100 रेज टू पावर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50, नॉट इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर देन 50। इक्वल टू में तो ओवरकम नहीं करेगा, शुड बी ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर देन 50। तो एक तो ये कैलकुलेशन करके देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तब एग्जिट एनर्जी आएगी, अगर ये पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो एग्जिट एनर्जी नहीं आएगी। तो एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि मैक्सिमम कोलिजन्स कितने होंगे, मैक्सिमम कोलिजन्स उसको बाहर निकलने से पहले,
तो ये कंडीशन है, इसमें आप एन की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ये इससे बड़ा, जब तक बड़ा आएगा, सपोज आप एन की वैल्यू, आपको जो वैल्यूज दिए हैं एन की वैल्यू पुट अप करके देख लीजिए। सपोज एन की वैल्यू 10 पे, एन की वैल्यू 10 पे आपने इसको सॉल्व किया, ये 5 से ग्रेटर आ गया, तो यानी कि बाहर निकल रहा है। और एन की वैल्यू अगर 11 पे, ये जो है 5 से कम हो गया या इक्वल टू हो गया 50, मीन्स अब बाहर नहीं निकलेगा। तो मैक्सिमम कोलिजन जो है 10 हो सकते हैं बाहर निकलने के लिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस टाइप के प्रॉब्लम ये एससी वर्मा में भी है, कोई ऐसा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कि लैंग्वेज जो यूज़ होती है ना वहाँ पे होता है दिया हुआ है एक्स परसेंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी मानते हैं कि वो जो है वर्क फंक्शन माइनस कर लो इसमें से, ये जो हमारी एनर्जी आई ईवी में इसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर लो और फिर उसकी 10% लूज़ करो। ऐसा नहीं होगा, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली वो लूज़ करेगा, वो ये है, इस एनर्जी को लूज़ करता जाएगा। लास्ट में जाके जो वर्क फंक्शन माइनस करना है फ्रॉम बैलेंस, बैलेंस अवेलेबल आफ्टर कोलिजन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।